हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रयान और आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो का टॉपिक है RSI, एक इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं प्राइस को हम लोग प्रिडिक्ट करने के लिए, कि हम प्राइस कहाँ जाएगी उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए यही यूज़ करते हैं इंडिकेटर। तो पहले सबसे पहले आप लोगों ने गूगल खोल लेना है, जैसे मैंने खोला है, देखें गूगल है। उसके बाद आपने जाना है, लिखना है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग, एक मिनट, क्या आपका खुला है, ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे आप चले गए। इसके बाद आपने जाना है, ये रहा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट, जैसे एडजेंस पे नहीं जाना, ये रही, इस पे आपने जाना है। ये आपने खोल लिया ट्रेडिंग व्यू, सही हो गया। मैंने कोई नहीं ख़रीदा हुआ, ये फ्री वाला है। आपने अपना अकाउंट बनाना है, ये अपग्रेड करना है, यहाँ से करना है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं हम, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपने यहाँ सिंपली ये जैसे सर्च बार दिख रहा है आपको, ये सर्च बार, यहाँ पे आपने जाना है और लिखना है जो भी कॉइन का आपने इंडिकेशन या देखना है, जो भी कॉइन का देखना है, सही हो गया। जैसे मैंने अभी फ़िलहाल मैं देखना चाह रहा हूँ लिंक को, कॉइन लिंक, मैंने यहाँ लिखा लिंक और इसका पेयर, जैसे BTC USDT जिससे भी, तो मैं लिखा लिंक और USDT। ये देखें सबसे टॉप पे आ गया चेन लिंक थेटर US, जो हम यूज़ करते हैं जिस पेयर के साथ। आप यहाँ पे आए, ये पूरा आपको देखेगा बिल्कुल सेम होना चाहिए कॉइन। आपने फिर इधर क्या करना है, इसके फुल फीचर चार्ट, फुल फीचर चार्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाना है आपने और आपने इसको क्लिक कर दिया, सही हो गया। अब आपने खोला तो ये कुछ ऐसा आएगा, लोड हो रहा है फ़िलहाल, ये रहा, सही हो गया। अब देखें, पहले तो सारे इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ, वैसे खुला हुआ है ना, तो आप देखें आपके पास ऐसा चार्ट आएगा, ये RSI खुला हुआ है नीचे, ये नहीं आपके पास आएगा, उसको मैं बंद कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये ले, ये आपके पास आ गया, सही हो गया। ये है कितने, ये आपका देखें, अभी आपका पूरा चार्ट है जिससे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कॉइन कहाँ जाएगा, पूरा चार्ट को हम इससे रीड करते हैं, TA टेक्निकल एनालिसिस, वो भी हम इससे करते हैं। आपने सिंपली जाकर ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, और आपको बताया लिंक कॉइन, जो मैंने कॉइन देखना है वो सर्च कर लिया, उसके बाद आपने लिंक USDT लिखा तो आपका आ गया, अभी आपका पूरा ऐसा खुल गया। पहले तो आपने टाइम फ्रेम देखना है, बाइनेंस के जैसा टाइम फ्रेम है सारा, जितने हैं यहाँ तक, थोड़ा यहाँ तक आते हैं आवर्स तक, उसके 1 डे और फिर नीचे, तो असल में वो पेड उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे अभी 1 आवर का चार्ट देख रहा हूँ मैं, सही हो गया, सारे आवर से चार्ट है, 4 आवर 1 आवर अच्छा होता है, ये 4 आवर का है और ये 1 आवर का चार्ट है, सही हो गया। इसको थोड़ा छोटा करा, ये देखें ये लिंक थोड़ा इसको, अब देखें अब इसको आप यहाँ से, अगर आपको छोटा करना है स्क्रीन में बड़ा आ रहा है, आपने यहाँ से राइट पर जाना है, ये 23 22 लिखा है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जूम आपको पता है कैसे करना है, जूम इन जूम आउट हो जाता है, सही हो गया। इसको मैंने थोड़ा छोटा करा है और मैं इसको इधर लाया है, ये नीचे वॉल्यूम बता रहा है कि इस घंटे में वॉल्यूम कितनी थी, ये पूरा आपको चार्ट दिख रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, आप मेरी वीडियोस देख लें, वो बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियोस हैं। अब जो आज हमारा टॉपिक है वो RSI है, उसका ये इंडिकेटर होता है, जिससे हम जो इंडिकेट करते हैं, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस प्रिडिक्शन, वो बताता है कि आपके कब ओवरबॉट हुआ है, कब ओवरसोल्ड हुआ है, कब आपको एंट्री लेनी चाहिए। अब आपके कहाँ से लेंगे, ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे, ये देखें जहाँ पे बड़ा हुआ है FX, इधर आपने गए, यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे और लिख ले लेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपने यहाँ पे जाना है, दैट्स हाउ यू डू इट, यू हैव टू एंटर इन दिस, यू हैव टू क्लिक दिस। नाउ देखें यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे अब आपने ये खुल गया है, ये रहा, सही हो गया, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, पहले हम लोग इसे सेटिंग्स पे जाएंगे, आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, ये आगे सेटिंग, सही हो गई। अब देखिए मेरी जो सेटिंग होती है ये, आप जिसको आपको जो कलर करना है कर लें, जो आपको सही लग रहा है, मैंने रेड कर लिया, विजिबल होता है, ये आपने लिखना है, ये देखें ये क्या है, ये आपने मेरी सेटिंग्स कर लेना अच्छा रहता है। अपर बैंड आप कर लें 80, लोअर बैंड आप कर लें 20, सही हो गया, ये आपने कर लिया 20। इनपुट्स विनपुट सब सेम है, सही है, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, देख लें, और ये स्टाइल में आपने 80-20 करना है बस, और आपने चेंज कर लेना है बैकग्राउंड, देख लेना जो कलर आपको सही लगे, वाइट भी होता है, ये येलो भी होता है और ये ब्लैक होता है, हम थोड़ा येलो कर लेना ताकि अलग हो जाए ना थोड़ा, सही हो गया। आपने ओके कर देना है, ये ओके हो गया। अब आपको ये छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से यहीं से होगा बड़ा, सही हो गया, अब ये बड़ा हो गया। अब वैसे ही अगर आपको थोड़ा जूम इन जूम आउट आपको करना आता है, अगर आपको यहाँ से छोटा बड़ा करना है स्क्रीन में लाना है, तो आप ये कर लें, जितना ऊपर करेंगे यहाँ से राइट साइड से तो वहाँ से हो जाएगा। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा करा, 80 और 20, ये आपने पहले सेटिंग्स रख ली। अब इसका मतलब क्या, आपको क्या समझ आएगा, देखें इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लिया, अब हम लोगों ने खोला हुआ है 1 आवर का चार्ट, सही हो गया।
मैं इसको कम कर लेता हूँ, फिलहाल मैं खोलता हूँ कोई 15 मिनट्स का चार्ट। सही है, मैंने खोल दिया। अब आप देखेंगे ये क्या इंडिकेट करता है। पहली बात देखें, अगर आपकी ये लाइन है, ये अगर यहाँ से जैसे है ना, पहले कहीं ये देखें, अगर ये आपकी लाइन देख सकते हैं, ये 80 को करीब है या 80 से ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉइन बहुत ओवरबॉट हो चुका है। तो अब इसके बाद इसने नीचे आना ही आना है, था थोड़ा ऊपर जाकर आए लेकिन उसने नीचे आना है। तो आप जब भी आप कभी देखें RSI इधर है, आपने कभी भी बाय नहीं करना क्योंकि वो नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे आपने लोगों ने इतना ओवरबॉट हुआ कि यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ और यहाँ तक आया, देखें डाउनफॉल उसकी आपने। अब आप देखें कि ऐसा ही हुआ कि ऐसा यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा नीचे चला गया। देखें ये ऐसा, जब मतलब यहाँ 80 को करीब है, 80 के पास आएगा, मतलब ओवरबॉट हो चुका है, मतलब आपने बाय नहीं करना है। अब वो नीचे गिरेगा, ओवरबॉट मतलब नीचे गिरेगा, बहुत लोगों ने बाय कर लिया है। सही हो गया ओवरबॉट से। अब जैसे ये है, अब मेरा लोड हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे है, मतलब ये 20 के करीब है, 30-20 के करीब है, या ये यहाँ देख लें, इसका मतलब है ये 20 पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये इतना नीचे आ गया, अब लोग बाय करेंगे। ओवरसोल्ड हो गया मतलब लोग अब सेल करेंगे। अब ये जब ये 20 पे आता है ना, तो ये अच्छा टाइम होता है कि आप बाय करें, क्योंकि इतना लोगों ने बेच दिया होता है कि आप बायर्स जाते हैं और बायर्स लेकर इसको ऊपर जाते हैं। तो आपको क्या समझ आया? सिंपल और बहुत छोटी वीडियो है, ताकि मैं आप लोगों आप लोग मोल ले, कोई वीडियो आया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये 80 के ऊपर आएगा, जब 80-70 के बीच में या 80 से ऊपर, इसका मतलब है ओवरबॉट हो जाएगा, उसने नीचे आना है सिंपल। और नीचे 20 और 30 के बीच में होगा या नीचे भी जा सकता है, इसका क्या मतलब है कि ओवरसोल्ड हो चुका है, आप बाहर जाएंगे मार्केट में उसको ऊपर ले जाएंगे। और जब ये देखें यहाँ पे, इस जगह पे आपने कभी भी बाय नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि ये अभी साइडवेज चल रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता, ये या तो नीचे भी जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है। तो जब भी ये 70 और 30 के बीच में होता है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप बाय नहीं करें, क्योंकि इसका कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बीच में जा रहा है या तो ऊपर या तो नीचे, कुछ नहीं पता। ऊपर से आपको ये होता है कि आप अगर आप शॉर्ट करेंगे तो वो नीचे आएगा, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, या ऊपर आपको बता देगा इतना ऊपर है, ओवरबॉट है, आप नहीं बाय करें, नीचे होगा तो आप ओवरसोल्ड है, आप नहीं बाय करें, वो आप बाय करें, सोल्ड नहीं करना, बताओ आप बाय करें ताकि फ्री ऊपर जाएगा। सही हो गया। अब ये देखें, अभी ये बीच में है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अपना ट्रेड ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लिंक कहाँ जा रहा है। अगर ये यहाँ से यहाँ आया, तो मैंने इसको बाय करना है, क्योंकि बाइंग रेंज पर आएगा ना मेरी, फिर यहाँ से इसने ऊपर जाना है, टप आ टप पैसे बनेंगे फिर। सही हो गया। अच्छा, ये इस तरह मैंने आपको बताया है, ये बहुत इजी है। अब आप कोई भी और भी कॉइन देख लें, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। आप बिटकॉइन देख लेते हैं। सही हो गया। बिटकॉइन और पेयर USDT, मैंने क्या अगर लिखा है, BTC USDT, ओ टी भी लिखना है, ये आ गया बिटकॉइन TETHER US। सिंपल सिंपल इजी स्टाफ, आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। यहाँ से मैंने छोटा करना है, सेटिंग मेरी देख लें, आपको वापसी दिखा ले जाऊँ, एक मिनट डबल क्लिक कर, अबे यार जी, इसको आपने डबल क्लिक करना है इस लाइन को, तो ये आपकी सेटिंग्स खोल लेगा, देख लें एक दफ़ा, स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल ईजी स्टाफ। अब आप देखें कि अभी बिटकॉइन कहाँ है, यहाँ पे है। बिटकॉइन को कभी अभी यहाँ आप ना RSI नहीं देखना चाहते, क्योंकि बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है बिटकॉइन, आपको पता है इतना नीचे ऊपर कर रहा होता है वो, कि कुछ नहीं कर प्रिडिक्ट कर पाते। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे आया था, लोगों ने बाय करा, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर तक नहीं गया, देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ से नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे ही आ रहा है तब से। तो आप इससे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को फिर से वार्निंग दे रहा हूँ कि कभी भी एक इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, वरना आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे। कम से कम 2 से 3 4 आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपका कुछ बनेगा। ये वाला यूज़ कर लें, RSI, MACD आसान है, वो यूज़ कर लें। MACD में अपने अगली जो मेरी टॉपिक वीडियो होगी, वो MACD के बारे में होगी। सही हो गया। मूविंग एवरेज जो होता है, वो उसके बारे में होगी, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, वो भी बहुत यूज़फुल है। ये और मेरी कैंडल स्टिक पर 3 4 वीडियो आ चुकी हैं, वो देखें आप। इन तीनों को यूज़ करके ना आप, तो फिर आप लोग बता सकते हैं, जैसे भी आपको पता चल जाएगा कि आपने इधर बाय करना है ताकि वो ऊपर जाए, लेकिन सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। सही हो गया। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, आपको समझ आ गया कि जब ऊपर जाएगा 80 सेटिंग्स में, 80-20 कर लेना, 80 या 70 के करीब आएगा, या 80 से ऊपर आपने बाय नहीं करना है। आप शॉर्ट कर सकते हैं, बाय नहीं करना मगर, वरना फिर आप लॉस में जाएंगे। और नीचे आया हुआ तो आप बिल्कुल बाय करें, क्योंकि उसने ऊपर जाना है, लेकिन एक इंडिकेटर नहीं, 2-3 इंडिकेटर यूज़ करना। आई होप आप लोग को सब समझ आया हो। और दूसरी वीडियो कल ही इंशाल्लाह, या कल या परसों तक आ जाएगी MACD के बारे में। थैंक यू।